हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम जा रहे हैं अटल टनल जिसकी ओपनिंग 3 अक्टूबर 2020 में हुई है। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, अटल टनल का। सो ये है सोलांग वैली में। तो आज हम जा रहे हैं और पिक्चर्स तैयार हो गए हैं और निकलना है। तो आज मैं आपको ले जाऊंगी अपने साथ अटल टनल, जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल। सो मैं आपको पूरा बताऊंगी। अभी फिलहाल हम हो रहे हैं लेट, हमारे गाड़ी वाले नहीं, हमारे भैया जी जिनके साथ हम जा रहे हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड, तो अभी आ रहे हैं और उनकी कॉल आ रही है नितिन को बार बार। तो नितिन मुझे अभी भी बोल रहे हैं अंदर से कि जल्दी करो। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ नितिन से मिलाती हूँ। नितिन, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, शुभाया से करो। बस चल पड़े हैं हम। हाँ, आपको सोलांग वैली तो दिखाऊंगी आज, आपको टनल तो दिखाऊंगी जिसका नाम मैंने बताया ना अटल टनल। सो उसके बारे में भी बताऊंगी। तो गाइज, अभी मैं जहाँ हूँ वो है फैक्ट्री। किस चीज़ की है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वेट, फैक्ट्री है यहाँ पर, बनते हैं जैसे चूल्हे हो गए हैं, चिमनियाँ होगी है। और ये है मेरे हस्बैंड की, बेस्ट फ्रेंड की फैक्ट्री और शॉप, इनकी अलियू है। और फैक्ट्री ये कौन सी जगह है भाभी? बांग, हाँ बांग, मुझे तो खुद बांग की जगह में बता के बताती। और मैं आपको मिलाती हूँ, आज मैं इनसे खुद फर्स्ट टाइम मिली हुई हूँ। ये है मोहित भैया की न्यूली वेड, हमारी मोहित भैया की वाइफ। सो ये न्यूली वेडिंग कपल है, अभी जस्ट इनकी शादी हुई है। सो बस अभी हमने जाना है टनल की तरफ। और आपको पता है मेरी गर्दन मतलब मोड़ नहीं रही है इधर ना उधर, क्योंकि इससे हो गया पिल्लो, मतलब थोड़ा गलत पिल्लो ले लिया था, उस वजह से थोड़ी नेक में प्रॉब्लम आ गई है। और अब मैं आपको, अभी वो लोग गए हैं कहीं तो उनका वेट कर रहे हैं, बस आते होंगे फिर हमने निकलना है। तो ये तो थी भैया की फैक्ट्री जो मैंने दिखाई, और अब मुझे पता लग गया ये पांग में है। और ये सीनरीज देखिए आप, मार्वलस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और हम चल पड़े थे अब अटल टनल की तरफ, काफ़ी लोग भी जा रहे थे अटल टनल की तरफ। बस मैं इंजॉय करती हुई गाड़ी में, और मुझे अच्छा लगता है इंजॉय करना। ये है मोहित भैया जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारे मोहित भाई। तो हम एंटर हो चुके हैं सोलांग वैली। वैसे इस जगह का सोलांग वैली नाम है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये सोलांग वैली का फेमस स्नो पॉइंट ग्राउंड है जहाँ पर एक्टिविटीज़ की जाती है, इसका भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। गाइस, ये सीनरीज औसम। सोलांग मतलब सोलांग से रोहतांग तक का सफ़र भी बहुत औसम होता है। कभी जाना होगा तो मैं वो भी पक्का एक व्लॉग बनाऊंगी ज़रूर। तो बस हम नियर बाय अटल टनल के हैं, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अटल टनल के बारे में। तो गाइस, हम पहुँच गए अटल टनल के पास, और ये लाहौल के सीसू में जाके निकलेगी। ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है, और इस टनल को बनते हुए लग गए हैं 10 ईयर्स पूरे, जो 2010 में स्टार्ट हुआ था और आज 2020 यानी 2020 में जाके
मतलब इसका उद्घाटन हुआ है अभी 3 अक्टूबर 2020 को श्री नरेंद्र मोदी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और अभी बस हमने निकलना है लाहौल की तरफ, टनल से ही निकलना है हमने लाहौल की तरफ और जो सिसू में जाके मिलता है। इस टनल की खासियत ये है कि इसमें इमरजेंसी एग्जिट्स हैं और ऑटोमेटिक लाइट्स हैं और आपका बोले तो इसमें 4G भी प्रोवाइड है, जो मतलब सुनने में आ रहा है, बाकी तो अभी जाके पता ही लगेगा गाइस। तो बातें कम करते हुए ये मतलब ये है सोलांग से दुंदी सड़क जिस पे ये टनल बनी है। तो बातें कम करते हुए मैं आपको लाहौल के सिसू में मिलती हूँ और आपको टनल भी तो दिखानी है कि कितनी ब्यूटीफुल टनल है ऑब्वियसली हमारे हिमाचल में। और आपको मैंने बता दिया है ये है ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल। तो आपको मैं अभी बताऊँगी कि टनल, ये सामने देख रहे होंगे आप, ये आपको सामने दिख रहा होगा, इस टनल से हमने जाना है क्रॉस करके लाहौल जो सिसू में निकलेगी। तो आज मैं आपको टनल के अंदर ले जाऊंगी और इसकी ब्यूटी दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर टनल बनाई हुई है। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको लाहौल के सिसू में। काफ़ी टूरिस्ट भी थे, काफ़ी लोकल भी थे जो टनल को देखने के लिए आए थे। और बस अब हम जा रहे हैं टनल के अंदर। तो मैं नितिन को बोल रही थी, गाड़ी बोल दो भैया को लाने को आके, बस अब हम टनल के अंदर निकलने वाले हैं। सो ये हमारी गाड़ी चल पड़ी है और ये है अटल टनल जो स्टार्ट होगी। इमरजेंसी डोर थे यहाँ पर ये जो साइड में है, और ये ऑटोमेटिक लाइट्स जो आपको टनल के अंदर दिख रही है वो है। और यहाँ पर सिर्फ 4G चलता है BSNL में, बाकी नेटवर्क आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बस मैं इंजॉय कर रही हूँ अटल टनल के अंदर। ब्यूटीफुल टनल गाइस, सीरियसली अच्छी टनल है। मैं तो अभी 3-4 दिन में जब से इसका उद्घाटन हुआ है मैं फेसबुक में ही देख रही थी, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस हम पहुंच भी गए 9 किलोमीटर मतलब कवर करके, आई स्वेयर हम पहुंच भी गए और पता भी नहीं लगा। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, वाओ ऑसम। तो गाइस बहुत ठंडी ठंडी हवा है, जैसे आप देख सकते हो मेरे हेयर्स कैसे उड़ रहे हैं। और अभी हमने निकलना है लाहौल से थोड़ा आगे, राजा घेपन जो लाहौल के सबसे बड़े देवता। देखो गाइस मुझे ना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे आज मैं यहाँ पर आई हूँ और व्लॉग बना रही हूँ इससे मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने टूरिस्ट आए हैं, लोकल आए हैं, और बहुत ही ऑसम व्यूज़ है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ देखिए आप पीछे सीनरीज देखोगे ना, रियल में बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको आगे लाहौल की ब्यूटी और दिखाऊँगी गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियो। एग्ज़िट हो चुकी है और पता भी नहीं लगा कि कब जैसे टनल एग्ज़िट हो गई है। बहुत सुंदर टनल है और ये है टनल की एग्ज़िट, लिखा हुआ है आपको वहाँ पर सामने। तो अभी हम पहुँच गए लाहौल और लाहौल की सीनरीज है बहुत ही ऑसम। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अभी लाहौल की सीनरीज। मोहित भैया की वाइफ को भी आकर काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मुझे लगा, ऑब्वियसली हम दोनों का फर्स्ट टाइम था। और अब मैं दिखाऊंगी आपको मोहित भैया। तो ये हैं हमारे मोहित भैया ऑब्वियसली, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो ये है मेरे दोनों बाबू, एक बड़े बाबू एक छोटे बाबू। छोटे बाबू भी खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश है शिवाय भी। सीनरीज गाइस मैं भी सोचती थी यार लेह लद्दाख लोग जाते हैं, वहाँ की ब्यूटी तो मैंने देखी है ऑब्वियसली सोशल साइट पे, लेकिन जिस तरह से मैंने आज फील किया ना, स्मूथ रोड सीनरीज ऑसम गाइस। अब मेरा तो बन रहा है देखो लेह लद्दाख तक का जाने का पक्का, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ये एक ऐसा पॉइंट था जो चंडीगढ़ वाली फीलिंग दिला रहा था, रोड की दोनों तरफ से पेड़ और इतनी स्मूथ रोड, वाह इतनी क्लीन, इतना मतलब बहुत अच्छा। और गाइस आप देखो ना यार सीनरी, मैं तो वाह करती करती नहीं थक रही हूँ। तो आई होप आप सबको भी अच्छी लग रही होगी ना। ये है लाहौल की गोंदला जगह जो मैं अभी मैं आपको
दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने गाड़ी इसलिए यहाँ पर पार्क करी क्योंकि यहाँ पर है ग्लेशियर, यहाँ पर नहीं है। जो आपको हिल्स दिख रही है ना ऊपर, सामने दिखाना बाबू वो, वो देखो गाइस वहाँ पर जो सामने दिखा रहे हैं अभी आपको फ़ोन से कैप्चराइज कर रहे हैं, वो वहाँ पर ग्लेशियर है। और सीनरीज देखो आप, पहाड़ देखो आप, कितने सुंदर। और प्लेन प्लेन सा इलाका है गाइस, बहुत ही सुंदर। और आपको पता है, आपको पता है गाइस, यहाँ की सीनरीज देख कर मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं लद्दाख भी जाऊँ पक्का, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और इवन मेरे हस्बैंड वगैरह जाते हैं ईयरली घूमने फिरने। तो अभी मेरा बनेगा तो मैं पक्का लद्दाख भी जाऊँगी, क्योंकि इतनी स्मूथ सड़क है, इतना औसम एनवायरनमेंट है और इतनी अच्छी अच्छी सीनरीज है, क्यों नहीं मन करता है ऑब्वियसली। तो अभी मैं आपको, सामने भी ग्लेशियर है जो दिख रहा है आपको, और सीनरीज देखो गाइस कितनी सुंदर है यहाँ पर। तो जो भी मेरे व्यूवर है और वो आउट ऑफ हिमाचल है, मनाली घूमने आना चाहते हैं, हिमाचल घूमने आना चाहते, तो मनाली ज़रूर आए। और मनाली से अब तो आपको इजी हो गया है वाया टनल होते ये लाहौल आना, लाहौल से ले लद्दाख जाना बहुत इजी हो गया है। तो अभी हम करेंगे लंच, रुक कर फिर हमने जाना है वापस। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप सबको? आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आपको पता है अभी हम गोंदला, लाहौल के गोंदला में हैं, अभी हम रुके हैं जस्ट। तो अभी नितिन का प्रोग्राम हुआ कि हम केलोंग जाएंगे, तो गाइस ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और इसी वजह से मुझे ये वीडियो करना पड़ रहा है बाय बाय, वीडियो को करना पड़ रहा है बाय बाय और आप सबको करना पड़ रहा है बाय बाय। तो ये मैं पार्ट टू में डिवाइड करूँगी ये वाला वीडियो। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो केलोंग से मनाली तक का होगा फिर से, क्योंकि केलोंग हमारा एंड पॉइंट होगा और केलोंग से हमने मनाली निकलना है वापस। तो क्योंकि लंबी वीडियोस देखना कोई पसंद भी नहीं करता है और ये वीडियो सच में चल जाएगा काफ़ी लंबा, तो मैंने डिसाइड किया है इसको पार्ट टू में डिवाइड करूँगी। तो आज का वीडियो पार्ट वन कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में पक्का शेयर कीजिएगा। जो मैंने आपसे टनल, ये जो अटल टनल है वो शेयर करी, जो आपसे प्यारी प्यारी सीनरीज शेयर करी, वो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगता है। और बस आज के लिए बस इतना ही। नए हो मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। अभी के लिए बाय बाय, आप सबकी शुभ लतिका।